हेलो दोस्तों, राइट नाउ आई एम एयरपोर्ट। तो थोड़ा काम से मुझे बाहर जाना है। मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बना जाए, क्योंकि अभी भी फ्लाइट टेक ऑफ करने में थोड़ा टाइम है। अब ये वीडियो किसके ऊपर है, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर है, तो हम लोग कम से कम 1 मंथ में एक बार कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लाए। बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो हम लोग लाते हैं, लेकिन आप लोग जो सवाल व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में पूछते हैं, तो वो सवाल का जवाब हम लोग सोचते हैं कि यहाँ दिया जाए एक वीडियो बना के। सो हियर इज़ द अनदर वीडियो, अनदर एपिसोड, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद अगर लगता है सही में वीडियो अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पहला जो सवाल है, सवाल हम लोग स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहे हैं, वो आप लोग देखिए। राहुल घोष का पहला सवाल है, दादा वाटर पैरामीटर क्या होता है। मैंने एक्चुअली बहुत बार ये कहा है, थोड़ा सा साइट का नॉइज आ सकता है दोस्तों, क्योंकि एवरीबडी बिजी एट हैविंग फूड। तो जो राहुल का सवाल है कि दादा वाटर पैरामीटर क्या होता है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँगा। मैं बहुत सारा वीडियो में मैं कहा भी हूँ कि वाटर पैरामीटर अगर गलत हो जाए तो उससे आपका फिश बीमार हो सकता है। तो ये वाटर पैरामीटर क्या है? देखिए, वाटर पैरामीटर ना कोई एक चीज़ नहीं है, ये बहुत सारा चीज़ का कम्बिनेशन है। जैसा आपका अगर वाटर टेम्परेचर गलत हो जाए, पीएच लेवल अगर बिगड़ जाए, जो पानी है उसमें अगर एमोनिया लेवल हाई हो जाए, टीडीएस गलत हो जाए, तो ये सब अगर मिलाता है तो हम लोग बोलते हैं इसको वाटर पैरामीटर। तो कोई भी चीज़ गलत होने से वाटर पैरामीटर बिगड़ सकता है। हमेशा हम लोग इसके लिए बोलते हैं कि आप वाटर को ठीक रखिए। वाटर सारा गेम वाटर का है। अगर आपने वाटर सही तरीके से बैलेंस करके रखा तो आपका फिश एकदम बढ़िया रहेगा। अभी जो सवाल आया है, आपको वेलकम हमारे चैनल पे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने पूछा है दादा हमार 3 फुट बाई डेढ़ फुट एक टैंक, 4 पैरट, 2 शिवरम आछे, आमी एते कतगुलो मालावी चिकलेट रखते पारो। 3.5 फिट एक टैंक, 3 फिट का टैंक है। मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। देखिए, उन्होंने क्या पूछा है, मेरा पास 3 फिट बाई डेढ़ फिट का एक एक्वेरियम है, तो इसमें ऑलरेडी उनके पास 4 पैरट है, 2 शिवरम है, 4 और 2 6 फिश है, गुड। और इसमें उन्होंने उनको क्या ऐड करना है, मालावी सिकलेट ऐड करना है, वो भी सिकलेट का ही वैरायटी है। वो क्या एक साथ रख सकते हैं कि नहीं, या फिर कितना मालावी सिकलेट वो ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ मैं हमेशा बताता हूँ, जो मेरे वर्कशॉप में आते हैं वो सारे दोस्त को तो मैं स्पेशली गाइड करता हूँ। अगर आप मालावी सिकलेट कर रहे हैं ना, तो सिर्फ मालावी सिकलेट की बहुत सारा वैरायटी आता है और बढ़िया कलरफुल है। उनको हाइडिंग स्पेस देके अच्छे तरीके से थोड़ा स्किपिंग करके कीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन ये जो मैं देखता हूँ किसी किसी एक्वेरियम में मालावी सिकलेट, ऑस्कर, पैरोट, शिवरम सब एक साथ, मतलब वन टाइप ऑफ खिचड़ी बना दिया, तो ये मत बनाइए। मैं आपको पर्सनली बोलूँगा, आप पैरोट में बहुत सारा वैरायटी आता है, जैसा अभी रेड पैरोट, येलो पैरोट, इसके साथ हार्ट शेप पैरोट, पैरोट हॉर्न, ये सब आता है, ये सब ट्राई कीजिए। और शिवरम ऑलरेडी आपने रखा है। और एक चीज़ है, आपका ये जो एग्जिस्टिंग फिश रखा है ना, इनको ग्रो होने का भी जगह दीजिए। आपने आपके पास अगर ऑलरेडी 6-8 फिश है और आपका साइज़ 3 फिट है, तो ये जब बड़ा हो जाएगा ना, ये जगह उनके लिए भी शॉर्ट हो सकता है। तो उसमें फिर अभी आप अगर मालावी सिकलेट डालेंगे, मालावी सिकलेट थोड़ा फास्ट मूविंग भी होता है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, अपने में लड़ाई भी हो सकती है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा, अगर आप मालावी करना चाहते हो तो मालावी अलग से कीजिए, और पैरो शिवरम ऑस्कर करना चाहते हो तो ये अलग, ठीक है? तो दोनों को मिक्स मत कीजिए। बाकी रखने के लिए बहुत कोई रखता है, तो आप अगर रखना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से ना रखिए तो अच्छा है। अब जो सवाल है मेरे एक बंगाली दोस्त का है, दादा आमार काछे ऑस्कर आछे, आमी कि अरोआना रखते पारबो? शुभजीत
घोष। तो उन्होंने जो सवाल पूछा है बंगाली में, मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। उनके पास ऑस्कर है तो वो क्या एरोना रख पाएंगे? बिल्कुल रख पाएंगे, क्योंकि मेरा आप वीडियो थोड़ा यूट्यूब में जाके फॉलो कीजिएगा ना, तो आप लोगों को ये मॉन्स्टर फिश के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, कौन सा फिश के साथ क्या फिश रखना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो है। आप थोड़ा उसको फॉलो कीजिए तो आप इजीली जान पाएंगे कि एरोना के साथ और कौन सा फिश आप एक साथ एक ही एक्वेरियम में रख सकते हैं, साइज़ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। डूज एंड डोंट दोनों ही बोला हुआ है, थोड़ा उसको देखिए, आई थिंक यू विल गेट योर आंसर बेटर। ओके, और दोस्तों और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सही में ये अशोक अकबर ये चैनल मदद कर रहा है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसा एक हम लोग सब मिल के कम्युनिटी बनाते हैं जिससे हर एक हॉबीस्ट का मदद मिले, कोई भी वीडियो से मदद मिले। तो हमारे वो चैनल को उस तरीके से हम लोग ग्रो करवाना चाहते हैं, और जो आप लोगों के शेयरिंग के बिना सब्सक्राइब बटन को अगर आप लोग हिट नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को हेल्प करना होगा, तभी हम लोग हर एक हॉबीस्ट को अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो है मिताली माल के तरफ से। मिताली माल, उन्होंने पूछा है, दादा डेढ़ 1.5 फीट एयर एक्वेरियम में कत वाटर हीटर को, डेढ़ फीट का टैंक है तो कितना वाटर का हीटर मैं यूज़ कर सकता हूँ? डेढ़ फीट का टैंक मतलब छोटा है, आप 100 वाट का हीटर आराम से यूज़ कर सकते हो, उससे थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा। एक्चुअली क्या है ना, ये हीटर का जितना पावरफुल आप हीटर लेंगे उतना जल्दी वो पानी का हीट कर देगा। आपका छोटा टैंक है ना, तो आप कम वाट का हीटर यूज़ कीजिए, ज़्यादा वाट का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से फिश है उसी तरीके से आप इसको देखिए कि कौन सा टाइम है। जैसा अभी विंटर है तो विंटर में देना ज़रूरी है, लेकिन आप अगर उस टैंक को ऐसा जगह रखते हैं कि जहाँ पे वो ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं हो जाता है, तो सब में विंटर है मतलब हर एक टैंक में हीटर लगा दो, ऐसा नहीं। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है कि विंटर में कैसे फिश को रखना है, कौन सा फिश का क्या टेम्परेचर होना चाहिए। तो यू पीपल मस्ट फॉलो दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, वो है नसरुल्ला नसरू। दादा मेरा पास 3 फीट का टैंक में फ्लावर हॉर्न है और 3.5 फीट में एरोना है। मैं बताता हूँ कि 3, 3.5 फीट, 2.5 फीट ये टैंक में एरोना नहीं रखे तो अच्छा, उसके लिए थोड़ा 4 फीट का टैंक मिनिमम ले, मतलब आप लोग अगर ले सकते हैं तो वो बढ़िया रहेगा। एनीवे, क्या मैं हीटर 24 आवर्स डाल सकता हूँ, रिप्लाई में प्लीज़। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि ये बहुत सारा दोस्तों का मेरा सवाल है, क्या हीटर जल तो नहीं जाएगा या वो ब्लास्ट तो नहीं कर जाएगा। ब्लास्ट होता है कभी, ऐसा डर रखता है कि अगर 24 आवर्स में इसको ऑन रखो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँगा, और भी जो मेरे दोस्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ मैं एक ही बात बताऊँगा आप लोगों को कि हीटर जो आप ले रहे हैं, आप शॉपकीपर से पूछिए ये क्या ऑटो कट है। ऑटो कट मतलब आपने 28 में दिया है, जैसा वो टेम्परेचर को मीट कर लेगा या उसके ऊपर चला जाएगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, आपको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जब वो टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा, समझ लीजिए दिन के टाइम पे वो 28-29 है तो वो ओके है, लेकिन वो जैसा नीचे आ गया 26 हो गया, 25 हो गया, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आपको ऑन करने की ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली ऐसा ही होता है, तो आप थोड़ा ये शॉपकीपर से जान लीजिए, या यूट्यूब में हीटर के ऊपर बहुत सारा वीडियो है, आप वो वीडियो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा है सुमन मित्र ने, दिस एरोना हैज़ अ लाइव फिश फीडिंग हैबिट, काइंडली गाइड मी हाउ टू कोप अप विद द सिचुएशन, इट इज़ ऑल्सो रिफ्यूजिंग टू इट स्टिक्स। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप लोग देखिए
ये वाला वीडियो आप जाके देखिए यूट्यूब में मेरा चैनल पे। हम लोग बहुत बार दुकान शॉप में जाते हैं तो हम लोग जब एरोमा खरीदते हैं तो पूछते हैं ये क्या स्टिक खाएगा, तो दुकानदार जनरली बोल देता है कि हाँ अभी ये बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो स्टिक खाना चालू कर देगा। लेकिन जो एक्चुअल में होता है, हम लोग जब उसको फिश वगैरह मतलब श्रिम वगैरह या फिर दूसरा चिकन वगैरह ये जो खिलाते हैं, नॉन वेज फूड्स वगैरह ये खिलाते हैं ना, तो वो खाना खाते खाते इसका एक हैबिट हो जाता है। उसको प्रॉन ही चाहिए, उसको चिकन ही चाहिए, या फिर हम लोग बहुत बार मील वर्म्स खिलाते हैं, तो उसका वो जो टेस्ट के साथ अरवाना हैबिचुएटेड जब हो जाता है तो ये बहुत तकलीफ़ होता है फिर उसका हैबिट चेंज करने का, मतलब उसको पैलेट्स में, मतलब ये लाइफ से पैलेट में ट्रांसफ़र करने में तकलीफ होता है। लेकिन इसका भी कुछ प्रोसीड्योर है दोस्तों, जिसमें हम लोग देखे हैं 70% टाइम हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं कि उसको ट्रांसफ़र करने में, लाइफ से स्टिक्स में, पैलेट्स में। अब दोनों ही कोई कोई खाता है, कोई 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 एक मतलब या फिर लाइफ खाएगा या फिर पैलेट खाएगा, ऐसा होता है। तो ये आप अगर ये वीडियो एक बार देख लेंगे तो मुझे इतना विश्वास है कि आपको एक आइडिया आ जाएगा, और आप अगर उस तरीके से काम करेंगे तो शायद आपका अरवाना पैलेट्स खाना या स्टिक्स जो भी आप बोल रहे हैं वो शुरू कर दें। सो दोस्तों, टाइम टू से गुड बाय, और मेरा फ्लाइट का टाइम भी हो गया है, अभी टेक ऑफ करेंगे। ये वीडियो तो आप लोग देखे, आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सही में वीडियो लगा है अच्छा। और आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं जैसे आप लोग कमेंट्स करते हैं वो भी कीजिए। सबाई खूब भलो थकते हैं, और निजे माँ छोड़े भले। Thank you.